हम लोग अभी कमिश्नर महोदय से मिलने गए। कमिश्नर महोदय के मिलने पर उन्होंने हमें बताया कि जो फाइनेंस कंपनी है उसके द्वारा जो दो नाम चढ़ा दिए गए हैं, तो उसने परमिट जो है काफ़ी पैसा जो है, भ्रष्ट आदमी है, उसने काफ़ी पैसा जो है बटोर लिया कि 1.5-1.5 लाख लग करके परमिट बेचे। इसी के तहत हमने ये जो है प्रक्रिया अपनाई है। अब जो है 2-4 दिन के अंदर ये सब पूरी वेबसाइटें ऑनलाइन हो रही हैं, तो लोग ऑनलाइन अपने जो परमिट की डिमांड करें और जो है गाड़ियों को और जो फाइलें लगाई हुई हैं ट्रांसफ़र की वो अपने नाम ट्रांसफ़र करा लें। ये हमें आश्वासन दिया है 2-4 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट चालू हो जाएगी, आप परमिट को ऑनलाइन करोगे, अगर आपकी गाड़ी सही हालत में है तो आपको परमिट मिल जाएगा। उस ऐसो के खिलाफ कोर्ट में 56 दिसंबर को पढ़ा लूंगा। क्या ये लड़ाई मेरी अकेली है? आज मुझे पीटा गया, मुझसे पैसे छीने गए, कल क्या आपके साथ ये नहीं होगा? बताइए मुझे, आप होगा ना? तो क्या मैं अपने जुर्म की दास्तान आपसे कहने आऊंगा तो मेरे हाथ खड़े होंगे नहीं होंगे? होना चाहिए। आज हमारा कोई स्टैंड नहीं है, आज हमारा कोई वजूद नहीं है। हम कानून का पालन करने को वचनबद्ध हैं, कानून से चलते हैं, फिर भी हमारे ऊपर लाठी पड़ती है, हमें भगा दिया जाता है, ना सैटेलाइट रोकने देते हैं, ना चौकी चौराहे पकड़ देते हैं, और जहाँ तहाँ देखा जाए तो माफिया खड़े हुए हैं। रोडवेज बरेली कॉलेज पर स्टैंड है, आम आदमी वहाँ के जो ऑटो वाले हैं उनके अलावा सवारी उठा ला, अगर उसने सवारी उठाई तो उसके साथ बदतमीजी होगी, वही ऑटो वाले करेंगे, वो हमारे भाई हैं। क्यों भाई, बात परमिट की नहीं है मेरे भाई, जो पैसा लगाया है पता नहीं कहाँ से पैसा लगाया है, किससे कर्जा लिया है हमने, क्या गिरवी रखा है हमने, आज सब कुछ दांव पर लगा दिया हमारा। प्रशासन को नहीं मालूम कि बरेली शहर में कितना ऑटो चाहिए? मालूम है ना, फिर भी आप ऑटो को परमिट दिए जा रहे हैं। खबर बरेली की, बरेली से बीटीवी, बरेली की आवाज़।